एक बार की बात है, पेपा पिग, जॉर्ज, मम्मी पिग और डैडी पिग अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। अपने लिविंग रूम में बैठे बैठे पेपा ने बोला, डैडी पिग प्लीज मुझे कहीं घूमने जाना है। तो डैडी पिग ने बोला, कहाँ घूमने जाओगी पेपा? डैडी पिग चलो हम कैंपिंग में चलते हैं। तो मम्मी पिग ने बोला, ये अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं कैंपिंग। ओके चलो चलते हैं, बोलो कर रहा। जॉर्ज ने बोला। डैडी पिग ने अपने लाल रंग की गाड़ी ली और डैडी पिग, मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज ये चारों कैंपिंग के लिए चल दिए। कैंप में पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। वो लोग कैंप में पहुंचे और गाड़ी से उतरे। जॉर्ज, पेपा, मामा पिग और डैडा पिग सब लोग गाड़ी से उतर गए। उन्होंने गाड़ी को साइड कर दिया और डैडी पिग ने आग लगा दिया। रात का समय हो रहा था। पेपा ने अपने डैडी से पूछा, डैडी पिग आपने ये आग कैसे लगाया? पेपा, ये दो पत्थरों को रगड़ कर मैंने आग लगाया है। डैडी पिग हम कहाँ सोएंगे? पेपा हम सोएंगे टेंट में। अभी मैं तुम लोगों के लिए टेंट बिछाता हूँ। ठीक है डैडी पिग, आप टेंट लगाओ। हाँ, उससे पहले हम खाना खा लेते हैं। ठीक है डैडी पिग। मम्मी पिग ने लिया सैंडविच, डैडी पिग ने लिया फ्राइज, जॉर्ज ने लिया आइसक्रीम और पेपा ने लिया पिज्जा। सब ने मिलके खाना खाया। वाह मम्मी, खाना तो बहुत टेस्टी था। हाँ खाना बहुत टेस्टी था। चलो अब हम सब सोने जाते हैं। हाँ अब हम सब सोने जाते हैं, हम सब टेंट में सोएंगे। डैडी पिग ने जाके टेंट लगा दिया। आओ बच्चों, हम सब टेंट में घुसते हैं। ठीक है डैडी। पहले पेपा गई। चलो पेपा अंदर जाओ सो जाओ। चलो जॉर्ज तुम भी अंदर जाओ सो जाओ। चलो मामा पिग आप भी अंदर जाओ और सो जाओ। अब मैं जाता हूं अंदर। डैडी पिग आप तो घुस ही नहीं पा रहे, ये टेंट तो काफी छोटा है आपके लिए। अरे हाँ ये टेंट तो मेरे लिए काफी छोटा सा है। चलो मैं बाहर ही सो जाता हूँ। वैसे भी मुझे बाहर सोना बहुत पसंद है, चांद की रोशनी में। चलो मैं बाहर सो जाता हूँ। डैडी पिग बाहर सो गए। चांद की रोशनी में डैडी पिग को बहुत मजा आ रहा था सोने में। इतने में स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। अरे ये तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, मेरे को बहुत ठंड लग रही है। चलो मैं अपना कुछ बंदोबस्त करता हूँ, यहाँ मैं बाहर नहीं सो सकता। टक 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 टक। अगले दिन सुबह हो गई। मम्मी पिग बाहर आई, पेपा बाहर आई और जॉर्ज बाहर आया। अरे बाहर तो बहुत स्नोफॉल हुआ है और डैडी पिग दिख नहीं रहे, कहाँ गए डैडी पिग?
सुबह हो गई है, पता नहीं डैडी पिग कहाँ है। अरे ये किसके खराटों की आवाज आ रही है? ये जरूर डैडी पिग के खराटों की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं डैडी पिग कहाँ है। हाँ चलो देखते हैं। अरे डैडी पिग, आप गाड़ी में सो रहे हैं? ओ हाँ, मैं गाड़ी में सो गया था। रात को स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था तो मैं गाड़ी में ही सो गया। बुद्धू डैडी पिग। तो चलो अब हम चलते हैं घर पे। हाँ चलो चलते हैं। तो मम्मी पिग, डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज ये सब गाड़ी में बैठ गए और घर की तरफ चल पड़े। मम्मी पिग, डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज घर पहुंच गए। पेपा ने अपने डैडा पिग को बोला, डैडी पिग मुझे कैंपिंग करके बहुत मजा आया। अच्छा, और जॉर्ज तुमको? बहुत मजा आया। हाँ मुझे भी मजा आया। अगली बार से हम लोग कैंपिंग करने जाएंगे। हमारा ये वीकेंड बहुत अच्छा था, हमें बहुत मजा आया। पेपा, जॉर्ज, मम्मी पिग और डैडी पिग बहुत खुश थे क्योंकि उनका वीकेंड में कैंप बहुत ही अच्छा गया था और उन्होंने अपनी लाल गाड़ी अपने घर के सामने ही पार्क कर दी और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, अगर आपको ऐसे ही पेपा वाली टॉय वीडियोस देखनी है तो वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और बेल बटन जरूर हिट कीजिए ताकि ऐसे नए नए स्टोरीज आपको देखने को मिले। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर बच्चों।